और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अब डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चौमू की जनता से। पूर्व मंत्री सुभाष मेहरिया साहब, मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण, साथियों, मैं सबसे पहले चौमू में एक बार पुनः राहुल गांधी जी का स्वागत करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से कृपया करके जोरदार तालियां बजा के राहुल गांधी जी का स्वागत करें। आज झारखंड में चुनावी प्रचार करने के बाद सीधा जयपुर और फिर आपके बीच राहुल गांधी जी आए हैं। प्रथम चरण का चुनाव राजस्थान में संपन्न हुआ, 13 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, 12 सीटों पर वोट 6 तारीख को पड़ेंगे। 3 महीने पहले आप लोगों ने आशीर्वाद देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाई। उस वक्त भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तमाम राज्यों के भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता सब ने यहां पर डेरा डाला, खूब भाषण दिए, खूब विभाजन करने वाली बातों को बोला गया, लेकिन अंत में एक पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी। सभी किसानों ने, नौजवानों ने, गांव शहर सब लोगों ने वोट हम लोगों को दिया और हमको अपनी आपकी सेवा के लायक बनाया। आज सुभाष मेहरिया जी का चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए राहुल गांधी जी खुद आपके बीच में यहां पर आए हैं। हम सब उनको सुनेंगे, लेकिन ये बात सच है कि जिन लोगों ने 5 साल तक अपने प्रत्येक वादा कर जनता के साथ धोखा किया है, आज वो पुनः वोट मांग रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी या भाजपा की सरकार के नेता इस बात पे वोट मांग दे कि 5 साल वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 5 साल मोदी जी प्रधानमंत्री थे, राजस्थान में कितने कारखाने खुले, कितने हवाई अड्डे बने, कितनी रेल चालू करी, कितना निवेश हुआ, कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए, तो हम संवाद करने के लिए तैयार थे। लेकिन भाजपा की वो ही घिसी पिटी लाइन है, जब चुनाव आते हैं तो मंदिर मस्जिद की बात करनी है, हिंदू मुसलमान की बात करनी है, अपनी 5 साल की रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पूरे भारत में एक बदलाव की लहर चल रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार दोबारा बनेगी, 23 मई को मतगणना होगी, तो ना सिर्फ सुभाष मेहरिया जी यहां से जीत कर जाएंगे, लेकिन राजस्थान और तमाम देश भर के हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। साथियों, कल सुभाष मेहरिया जी के क्षेत्र में पाटन में मैं सभा कर रहा था तो सुभाष मेहरिया जी का गला बैठा हुआ आपने देखा, बहुत भाषण दे रहे हैं, तो कल अपने भाषण में बोल रहे थे कि भाई मैं 10 साल से वार्ड मेंबर नहीं बना, अब जनता के हाथ में है मेरा भविष्य। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से सुभाष मेहरिया जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भूल जाओ सरपंची और वार्ड मेंबर को, आप सीधा दिल्ली जाओगे, संसद में जाओगे, हम सबके वकील बनकर आप काम करोगे। और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई, प्रधानमंत्री से वो कठोर और कठिन सवाल पूछे भ्रष्टाचार के बारे में, रोजगार के बारे में, किसानों की आत्महत्या के बारे में, कोई जवाब प्रधानमंत्री जी दे नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आज भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर, मनमोहन सिंह जी पर। आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, किसान लगातार आत्महत्या देश में कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब देना नहीं चाहते। इसलिए आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार ने 3 महीने में जो जो वादे किए थे उन सभी पर काम करना चालू किया है। आचार संहिता खत्म होने के बाद उस तमाम घोषणा पत्र के वादों को हम जनता के सामने कारगर करेंगे। लेकिन आज आप लोगों से अपील करते हैं कि ये जाति, धर्म, भाषा, इन बातों से ऊपर हटकर कांग्रेस की निशान, कांग्रेस का पहचान यह हाथ का पंजा है। 125 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने खून पसीने से इस देश की धरती को सींचा है। आज आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि दुनिया को दिखाना है, देश को दिखाना है कि दिल्ली में बैठी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को चुन चुन कर जो खत्म करने का काम किया है, नौजवानों और गरीबों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उसका बदला लेने का समय आ गया। 6 तारीख को मतदान करके, हाथ के निशान का बटन दबाकर सुभाष मेहरिया जी को जिताकर भेजो। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं चौमू के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, कि आप जिताकर भेजोगे प्रदेश की सरकार, आप लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। कितना पैसा चाहिए, कितनी धनराशि चाहिए, पूरा विकास आपके क्षेत्र का होगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जिन 3 राज्यों में सरकार बनाई है,
अब समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस का तिरंगा फैलेगा और हम लोग एक नई सरकार का निर्माण 23 तारीख को करेंगे। इस निवेदन के साथ कि 6 तारीख को हर व्यक्ति, हर महिला, नौजवान, बुजुर्ग एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को दें और सुभाष मेहरिया जी को लाखों के अंतर से जिताकर दिल्ली भेजें। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, राम राम सर। तो जिस तरह से आपने देखा कि मंच पर सचिन पायलट जनसभा को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही ये कहा कि चुनाव के समय इनको मंदिर और मस्जिद याद आते हैं। मुख्यमंत्री